नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। गुमला जिला के बिशुनपुर अंचल में स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाले टाना भगत दो भाग में बंटते दिख रहे हैं। इस विषय को लेकर आज बिशुनपुर में टाना भक्तों की एक समूह की बैठक ब्लॉक परिसर में की गई, जहां पर विनय टाना भगत ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष का नेतृत्व करने वाले जनार्दन टाना भगत अन्य टाना भक्तों को गुमराह कर रहे हैं। वे अहिंसा के पुजारी टाना भक्तों को हिंसा के रास्ते ले जाना चाहते हैं। विनय टाना भगत ने यह भी आरोप लगाया कि टाना भक्तों के नाम पर इस तरह के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आइए जानते हैं प्रेस को बताते हुए भिखारी टाना भगत एवं विनय टाना भगत ने क्या कहा। मेरा नाम भिखारी टाना भगत है। मैं बिशुनपुर प्रखंड के जिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर टाना भगत कमेटी के में काम करता हूँ और अभी चला रहा हूँ टाना भगत कमेटी को। यहाँ बिशुनपुर प्रखंड में 16 तारीख को पढ़ा समाज की नाम से लोग रांची जाने का बात किया था और जाने के लिए जब तैयार हुआ तो उनको प्रशासन ने रोका। रोकने के बाद ही इन लोग ने रोड को जाम किया और रोड जाम करने के बाद ये टाना भगत का नाम बदनाम कर रहा है और टाना भगत के नाम से ये लोग फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये लोग टाना भगत के समुदाय के लोग नहीं हैं, जिसमें जनार्दन टाना भगत ये काम कर रहे हैं और इसको हम लोग टाना भगत समुदाय के सभी जो सदस्य हैं वो लोग ये लोग को विरोध कर रहे हैं और आगे से ऐसा ये लोग ना करें, रोड पर उतरे लेकिन हमारा टाना भगत समुदाय को बदनाम ना करें। 16 तारीख को ये रांची का प्लान बनाए थे पढ़ा समाज वाला लोग और रांची रैली जाने के लिए, लेकिन ये लोग रांची नहीं जाके यहाँ कुछ रोड जाम किए और टाना भगत को अगुवाई में नाम आगे लाए। ये लोग टाना भगत के नाम से बिचौलिया कर रहे हैं, भंजाने का काम कर रहे हैं, गैर टाना भगतों को टाना भगत यहाँ साबित कर रहे हैं और ये टाना भगत को भंजाया जा रहा है। टाना भगत के नाम से लाभान्वित लेना चाह रहे हैं ये लोग, टाना भगत के नाम से भंजाने का काम कर रहे हैं। ये लोग टाना भगत समुदाय का सदस्य नहीं है। ये लोग टाना भगत के नाम पर रोड पर उतर कर जाम करते हैं। ये लोग टाना भगत समुदाय के सदस्य नहीं है, इसलिए आज हम लोग बिशुनपुर प्रखंड के टाना भगत लोग ये लोग को टाना भगत समुदाय में नहीं है, इसलिए ये लोग को टाना भगत समुदाय से बहिष्कार करते हैं हम लोग। ये लोग टाना भगत आज के बाद में रोड में ना उतरे, क्योंकि ये टाना भगत का देशद्रोही के लिए ये लोग गलत काम कर रहे हैं। कभी ब्लॉक को भी ताला लगा देते हैं और कोई टाना भगत से पूछते भी नहीं है और ये लोग मनमानी अपना करते हैं। ये लोग टाना भगत समुदाय में भी नहीं आते हैं और ये टाना भगत के नाम पर फायदा लेते हैं। ये लोग को हम लोग आज समाज से बहिष्कार करते हैं कि ये लोग टाना भगत समुदाय में नहीं आते हैं। इधर इस संबंध में जनार्दन टाना भगत ने जीएन भारत से बात की तो उन्होंने इस आरोप का खंडन किया और कहा कि टाना भगत सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो हम रोड जाम कर अपना अधिकार सरकार से लेकर रहेंगे। हेलो हेलो जनार्दन जी नमस्कार, मैं राशिका बजाज जीएन भारत से बोल रही थी। जी 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 बोलोगे। ये जो बिशुनपुर में टाना भगत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके ऊपर ये आरोप लगाया है कि आप टाना भगत समूह को दो भाग में बांट रहे हैं, बिशुनपुर के टाना भगत के एक समूह के लोगों का आरोप है कि वैचारिक रूप से टाना भगत अहिंसा के पुजारी हैं और आप हिंसा की ओर ले जा रहे हैं, रोड जाम करना, ब्लॉक बंद करना, इससे टाना भक्तों की छवि खराब हो रही है, क्या कहेंगे? अगर कोई ये आरोप लगा रहे हैं तो ये निराधार है, क्योंकि टाना भक्तों को अब तक काफी लोग दिग्भ्रमित किए। टाना भगत शुरू से वो किसी का गुलामी पसंद नहीं करता है जी, और टाना भगत कभी भी किसी को तोड़ने की बात नहीं करता है, टाना भगत जोड़ने की बात करता है। आप 100 साल की इतिहास भी देखेंगे तो लोगों को जोड़ने का काम किया जी, तोड़ने का काम कभी नहीं किया। लेकिन किसी को लगता है कि ये
ये तोड़ा जा रहा है तो ये गलत है, अपने फायदे के लिए कुछ लोग ऐसा करते होंगे। हाँ, जी। और वो बताएं कि हम कहाँ अहिंसात्मक हो चुकी, तो इन्हें बताना चाहिए, क्योंकि टाना भगत आंदोलनकारी है, इसका पृष्ठभूमि ही आंदोलन है, सत्याग्रह है। हम सत्याग्रह ही हैं, हम सत्य के लिए हम हमेशा मांग करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो रोड जाम क्यों नहीं करेंगे, रोड जाम करेंगे, उस जी समय भी तो रोड जाम किए थे लोगों ने, किया बिना कुछ जाम किए आज सुनता कौन है। उसके लिए तो जरूरी होता है रोड जाम करना, अपने मांगों की पूर्ति के लिए रोड जाम करना, या कुछ भी जरूरत पड़ेगा तो करना। लेकिन ये हिंसात्मक ये नहीं कहा जा सकता, हिंसात्मक कहीं कदम उठाया नहीं गया है। अगर कोई आरोप ऐसा लगाते हैं तो ये निराधार है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।